हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हूँ। मैं मोहम्मद नौफल सफान, ब्लॉक्स एंड ऑफिस एकेडमी। और RFO का रिजल्ट आ गया है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा, हमने कामयाबी हासिल कर ली रिटर्न के अंदर। पहली बात ये कि 2019 से 2021 का ये बैच था, और फॉर्चुनेटली कह लें अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए, बहुत लेट इसका जो है वो रिजल्ट आ रहा है। आई डोंट नो कि SPSC के सामने अब क्या इसका प्रोसीजर होगा, क्या वो नेक्स्ट, ये तो 2019 टू 2021 का जो बैच है वो तो गुजर चुका है। तो आई होप कि ये अगले एग्जामिनेशन के लिए जो है वो आप लोगों को जो है वो यानी कि अगले बैच के लिए जो है क्वालिफाई करा देंगे। बहरहाल कामयाब होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुबारकबाद। अब तैयारी पकड़ लीजिए, कमर कस लीजिए। मेरे से ज़्यादा बेहतर इस इंटरव्यू को कोई नहीं जानता, इस YOOC को, जो कि अब आपका नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसीजर से गुजर चुका हूँ इसलिए मुझे पता है। तो YOOC बेसिकली जो है वो एक एग्जामिनेशन का हिस्सा है। ये आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, लेट सपोज कि आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो 9th सब्जेक्ट के तौर पर इसको आप कंसिडर कीजिए। इसके बाकायदा मार्क्स होते हैं और इसको आपको पास करना होता है। बेसिकली क्या होगा वो बता देता हूँ आपको RFO के हवाले से और इस YOOC के हवाले से। थोड़ा सा मैं आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में बता दूं, जिसको हम कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कहते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिकली दो कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को लेती है, जिसको वो CCE कहती है। एक तो आप कॉमनली जानते हैं कि PCS कहलाता है, जिसको आप जो है वो PCS भी कहते हैं, CCE भी कहते हैं, कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। और दूसरा जो CCE है वो यही रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का है, जो कि दो कैटेगरीज के अंदर होता है, एक BPS 16 के लिए और एक BPS 17 के लिए होता है। ठीक है जी, RFO की पोस्ट वहीं पे ही है, लेकिन डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट को चेंज करके अब जो है वो उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। बेसिकली बहरहाल BPS 16 और BPS 17 के लिए, BPS 16 के लिए आप इंटरमीडिएट बच्चे जो है वो इसके अंदर जाते हैं और अपनी किस्मत को आजमाते हैं। उसके बाद जो है वो इदारा पहले उनको पास करवाता है, यानी कि पहले वो एक पूरा का पूरा प्रोसीजर को पास करते हैं और उसके बाद फिर वो स्टिपेंडरी जो है वो अपॉइंटमेंट उनको मिलता है, और उसके जरिए से वो अगले 2 साल BSc फॉरेस्ट्री करके अपने ओहदों पे फायज हो जाते हैं एज ए RFO। इसी तरीके से जो BPS 17 होता है वो भी स्टिपेंडरी होते हैं, वो MSc करते हैं और MSc करने के बाद अपने ओहदों पे BPS 17 पे वो फायज हो जाते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है CCE। दूसरा जो है कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, वो जो है वो PCS कहलाता है। दोनों के अंदर, चाहे वो RFO हो चाहे वो PCS हो, दोनों कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। इसके अलावा कोई और कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आज की तारीख तक तो मुझे नहीं पता कि कोई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लेता हो। बहरहाल इन दोनों के अंदर YOOC एक कंपल्सरी पार्ट है। अगर आप इसका रिटन पोर्शन क्लियर कर लेते हैं, जैसा कि आप लोगों ने किया है, तो अब आपको RFO के YOOC की तैयारी करनी है। YOOC में क्या होता है, देखिए बेसिकली YOOC के अंदर जब आप कमरे के अंदर दाखिल होंगे तो तीन जो है वो आपके एग्जामिनर्स जो है वो इंटरव्यूअर्स जो है बैठे होते हैं। आपकी जो सामने वाली सीट पे बैठा होता है वो बेसिकली जो है वो नॉर्मली जो है वो SPSC के चेयरमैन होते हैं, या जो है वो हेड कर रहे होते हैं इस पूरे के पूरे इंटरव्यू को। इसके साथ साथ दाएं और बाएं दो बंदे और आपके बैठे होते हैं, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। लेट्स सपोज कि आपने जो है वो मैथमेटिक्स से या फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी से किया है, तो अब आपकी जो रिलेटिव सब्जेक्ट है बायोलॉजी तो बायोलॉजी से होगा, और अगर आपका कोई मैथमेटिक्स वाला है तो उस मकसद रेलेवेंट सब्जेक्ट से जो भी आपने किया है उसके हवाले से बैठा होगा। और तीसरा जो बंदा होगा वो इंग्लिश के हवाले से आपसे सवाल करेगा। मैं फिर आपको बता दूं कि आपके दाएं और बाएं जो है वो इंग्लिश और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे होंगे। एक साइड से वो इंग्लिश के सवाल करेगा और एक साइड से जो है वो आपसे जो है वो सब्जेक्ट के हवाले से बात करेगा। सामने वाले जो है वो आपसे कंपल्सरी सब्जेक्ट के हवाले से बात कर सकते हैं, जनरल नॉलेज के हवाले से बात कर सकते हैं। और ओवरऑल जो है वो ये तीनों जो है इंटरव्यूअर हैं और ये कोई भी सवाल आपसे कर सकते हैं। मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा, ठीक है जी। और इसके अंदर सवाल किस तरह से होंगे कि वो आपसे इंग्लिश के हवाले से कोई भी सवाल कर सकता है। लेट्स सपोज वो आपसे कि जिक्सा पजल क्या होता है, तो आपको जिक्सा पजल पता होना चाहिए कि जिक्सा पजल ये डॉन के अंदर आता है, आप डॉन को खोल के देख लीजिएगा, ठीक है जी। वो इस तरह की कोई भी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ सकता है, जो सवाल इधर उधर से कर सकता है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो आपसे कोई भी बात कर सकता है, अगर आप बायोलॉजी के अंदर है तो आपसे कोई फाइलम पूछ सकता है, या आपसे कोई जो है अगर आप मैथमेटिक्स साइड से है तो वो सवाल से कोई रेलेवेंट सवाल कर सकता है। सामने जो बंदा बैठा होगा नॉर्मली वो कंपल्सरी पोर्शन से वो सवाल करता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कह सकता है कि इदना सिरातल लजीना के मतलब क्या है, ये बता दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए। वो कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि कन्विक्शन क्या होती है, ठीक है जी, प्रोसेस क्या होता है, मतलब वो कुछ भी चीज को, कोई भी जो है वो टॉपिक को लेके वो आपसे सवाल बना सकता है।
तो इस तरीके से तीन लोग होंगे। मोस्टली ये लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं और इंग्लिश को ही मीडियम ऑफ इंटरव्यू बनाते हैं, लेकिन वो आपसे उर्दू या सिंधी में भी, जो भी आपकी लैंग्वेज जिसमें वो आपसे बात कर सकते हैं उसमें भी वो आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली वो आपसे जो है इंग्लिश में सवाल करेंगे। और बेसिकली जो ये सब इंटरव्यू है ये 10 मिनट से लेके जो आधे घंटे पौने घंटे का भी हो सकता है, और बड़े आराम से होगा। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ही आमतौर पे जो हैदराबाद के अंदर इनका हेड ऑफिस है वहीं पे ही ये इंटरव्यूज हैं वो कंडक्ट होते हैं, नीचे वाली मंजिल के ऊपर ही होते हैं। हम इन सारी चीजों से प्रोसीजर से गुजर चुके हैं, इस वजह से हम आपको अपना, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी का कहा सुना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है जी। डोर आप खोले जब इंटरव्यू के लिए एंटर हो, तो उस वक्त आप याद रखिए कि फर्श जो है बहुत चिकना है उसका, आप डोर को खींचेंगे खोलेंगे वो उस पे, उसके ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली बंद होने वाला डोर है, तो वो आपको बहुत प्रेशर देगा, जब आप उसको खींचेंगे तो हो सकता है कि वो आपका दरवाजा आपके पाँव स्लिप हो, तो इस चीज को देख लीजिएगा, बहुत चिकना फर्श बना हुआ है इस तरह की चीज। तो आपका बैलेंस होना चाहिए हर चीज, आपकी एंट्री दबंग होनी चाहिए। दबंग का मकसद ये नहीं कि कोई आप वहां पे कोई धमाका कर दें, दबंग का मकसद ये कि बड़ी बोल्ड कॉन्फिडेंट और जो है वो एक सोबर एंट्री होनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शलवार कमीज पहन के जाएं, व्हाइट ड्रेस को आप अपनाइए, सफेद शलवार कमीज हो, और उसके साथ अगर वास्कोट वास्केट पहन लें तो ज्यादा अच्छा है, और हाथ में आपके एक छोटी सी नोटबुक हो और जेब में कलम लगाओ, एक मुनासिब सी आपके हाथ में जो वो घड़ी हो, आप जूते भी पहन सकते हैं इसके साथ, और पिशावरी चप्पलें भी पहन, पिशावरी सैंडलें भी पहन सकते हैं, तो ये दोनों चीजें आप पहने। कोशिश करें कि जितने आपकी जो है वो दस्तरस में है, अगर आप नया पहन सके तो नया खरीद के परचेस कर लें और नया पहन के जाएं, वरना तो मुनासिब साफ सुथरा हो, कोई हर्ज नहीं है, जरूरी नहीं कि ब्रांड न्यू हो। तो ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, इसमें मैंने आपको कोशिश किया कि झटपट आपको रेसिपी दे दूं। और इसकी तैयारी कैसे होगी, इसकी तैयारी जनाब आपने रिटन पोर्शन क्लियर किया, यकीनन आप में जो है वही सलाहियतें मौजूद हैं कि आप आराम से जो इसका वाइवा है वो उसको आप क्लियर कर जाएंगे। सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, आई कांटेक्ट को बना के रखिएगा, गैर जरूरी हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है आपको, और जो है वो जब भी आपसे कोई सवाल करें तो आप उसका जवाब दें, और अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप मना नहीं कीजिए, खामोश हो जाइए, वो अगला सवाल आपसे खुद ही करेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा ये कि आप जो है वो उनसे जब रुख्सत हो तो आप उनसे इजाजत चाहिएगा, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, और वो कहें नहीं सर आप जा सकते हैं, तो आप बड़े आराम से जो है वो सोबरनेस के साथ जो है वो वहां से उठ जाइए, उनसे इजाजत लीजिए और आ जाइए। गैर जरूरी हाथ मिलाने की जरूरत नहीं, अगर वो आपसे हाथ शेक करते हैं तो आप जरूर उनसे हाथ शेक कीजिए। तो ये जो है वो एक चीजें थी जो मुझे इस वक्त मेमोरी में आई, तो मैंने कहा कि आपसे शेयर कर लूं। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्फिडेंस को चेक करेंगे आपके, आपकी सच्चाई को, आपकी ऑनेस्टी को चेक करेंगे। हो सकता है कि आपसे वो कुछ ऐसे सवाल करें जिसके जरिए से वो आपको डुप्लीकेट आपके जवाब को, यानी कि वो आपसे दो इस 15-20 मिनट के इंटरव्यू के अंदर दो दफा आपसे एक ही सवाल दो डिफरेंट एंगल से पूछ रहे हैं, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया और दोनों तरफ आपने झूठ बोला तो वो उनका आपका झूठ पकड़ लेंगे कि आपने जो कुछ कहा था वो सही नहीं कहा था, ठीक है जी। तो अगर आप किसी चीज को कहें तो याद रखिए कि अगला क्वेश्चन उसी हवाले से होगा। आपने कहा कि मैं कोई मैं जो है वो फालतू वक्त में बुक्स पढ़ता हूं, और आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो वो आप एक सेकंड में पकड़े जाएंगे, वो आपसे सवाल करेगा, वो उस किताब के बारे में पूछेगा, राइटर का पूछ लेगा। तो इसलिए जो कुछ भी आप कहें वो ऑनेस्टी के साथ कहें, वो आपसे कोई बहुत बड़ी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ऑनेस्टी आपसे वो चाहते हैं कि आपकी ऑनेस्टी देखें, क्योंकि आपने रिटन पोर्शन क्लियर कर लिया, आपकी काबिलियत पर उनको एज सच कोई शक नहीं है, इसी भी आपको बुला रहे, तो वो आपकी ऑनेस्टी को देखेंगे, नो डाउट वो आपकी और भी दूसरी स्किल्स को देखेंगे, आपकी आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन स्किल यहाँ पे नजर आएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज नजर आएगी, वो सारी की सारी चीजों को जरूर देखेंगे। तो ये कुछ मेरी एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे इस वक्त याद आ गए, मैंने आपसे शेयर किए, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।